हेलो चिल्ड्रेन इन दिस तो अब ये क्या कह रहा है कि ये फंक्शन स्टार्ट विद फंक्शन ट्रू रिटर्न करता है कब रिटर्न करता है अगर स्ट्रिंग की स्टार्टिंग सब स्ट्रिंग से हो जो भी हम सब स्ट्रिंग इसके अंदर पास कर रहे हैं ओके स्ट्रिंग की स्टार्टिंग उस सब स्ट्रिंग से हो तो ट्रू रिटर्न करेगा अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा फॉल्स राइट right? अब इसको यूज कैसे करेंगे यहाँ पे हमने एक सब यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग लिया ए बी सी डी राइट ये हमारा स्ट्रिंग है ओके okay? अब इसके साथ हमने स्टार्ट विद फंक्शन को यूज किया है डॉट स्टार्स विद ओके और हमने सब स्ट्रिंग क्या लिया है सब स्ट्रिंग क्या होता है स्ट्रिंग का पार्ट होता है ओके सब स्ट्रिंग क्या होता है स्ट्रिंग का पार्ट होता है तो हमने स्ट्रिंग का पार्ट लिया है यहाँ पे सी डी राइट right? अब देखो अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में ये सीडी से स्टार्ट होता तो तो ट्रू आता ओके okay? इसकी कंडीशन यही है ना कि अगर स्ट्रिंग से स्टार्ट हो राइट right? तो स्टार्ट्स विथ फंक्शन ट्रू रिटर्न करता है अदरवाइज फॉल्स करता है तो यहाँ पे सी डी से तो स्टार्ट नहीं हुआ स्ट्रिंग तो यहाँ पे रिजल्ट आपका क्या आ गया फॉल्स ओके okay? अब नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम लोग यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग है abcd dot starts with starts with में हमने क्या सबस्ट्रिंग पास किया है ab starts with मतलब किस से स्टार्ट हो रही आप इससे भी समझ सकते हो इस फंक्शन नेम से starts with ab ओके यस दिस स्ट्रिंग इज स्टार्टिंग विद ab ओके ये स्ट्रिंग क्या ab से स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पे आपका रिजल्ट क्या आ गया ट्रू राइट right? तो आपको इस फंक्शन से क्या यहाँ पे इस फंक्शन से क्या एक रिजल्ट निकलता है कि जो भी सब स्ट्रिंग इस फंक्शन में आप पास कर रहे हो राइट वो अगर स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में है तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा ट्रू अदरवाइज रिटर्न करेगा फॉल्स ओके राइट नाउ द नेक्स्ट मेथड इज

ओके okay, क्या शो करिए कि वो सब स्ट्रिंग से ये वाली स्ट्रिंग एंड होनी चाहिए तो रिजल्ट क्या आएगा ट्रू एंड फंक्शन का रिजल्ट क्या आएगा ट्रू ओके इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं हम हमारे पास स्ट्रिंग है ओके okay, हमने किया एंडस विथ डॉट एंड एंडस विथ फंक्शन में आपने क्या सब स्ट्रिंग पास किया है सी राइट right? लेकिन ये सी से तो एंड नहीं हो रहा ये डी से एंड हो रहा है राइट right? तो ऑब्वियसली यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा फॉल्स

राइट right? जो हमारा स्ट्रिंग है अगर सब स्ट्रिंग से एंड हो रहा है तो रिजल्ट आएगा ट्रू अदरवाइज रिजल्ट आएगा फॉल्स ओके नाउ द नेक्स्ट मेथड इज इज ऑल नम राइट इट रिटर्न्स ट्रू इफ द करेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर अल्फा न्यूमरिक अल्फाबेट्स और Numbers, okay? तो ये क्या कह रहा है कि is all num method, अगर आप यूज करते हो स्ट्रिंग के साथ तो वो कब रिजल्ट ट्रू देगा अगर स्ट्रिंग के अंदर अल्फाबेट्स हैं और नंबर्स हैं ओके और इट कैन कंटेन द नंबर्स ओनली और इट कैन कंटेन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ एल्फाबेट और नंबर समझ में आया स्ट्रिंग में सिर्फ अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं सिर्फ नंबर्स भी हो सकते हैं और दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है राइट right? तो इसको बोलते हैं एल्फा न्यूमरिक राइट एंड इट शुड नॉट बी एम्टी तो वो क्या कह रहे हैं अगर स्ट्रिंग के साथ आप इस ऑल नम मेथड का यूज कर रहे हो तो ये मेथड ट्रू तब देगा जब स्ट्रिंग के अंदर करेक्टर्स है या नंबर्स है या दोनों का कॉम्बिनेशन है ओके okay. और एक और कंडीशन है इट शुड नॉट बी एम ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्ट्रिंग जो आपने दी है वो एम होगी राइट ओके उसमें एटलीस्ट वन तो होना ही चाहिए इट शुड कंटेन एटलीस्ट वन करेक्टर ओके अदरवाइज इट रिटर्न ओके अगर स्ट्रिंग एम है तो क्या करेगा रिजल्ट आएगा फोर्स ओके राइट और अल्फाबेट से नंबर की जगह कुछ और है आपने सिम्बल्स दिए हुए तो भी रिजल्ट आपका फॉर्स आएगा ओके okay?

राइट right? इसका रिजल्ट क्या है ट्रू क्योंकि इसमें क्या है पाइथन में सारे करेक्टर्स है फाइन नेक्स्ट आपने लिया वन टू थ्री एबीसी स्ट्रिंग है नंबर्स एंड करेक्टर्स राइट कॉम्बिनेशन ऑफ एल्फाबेट्स एंड करेक्टर्स तो यहाँ पे आपका रिजल्ट आ गया ट्रू राइट अगेन यहाँ पे आपका क्या है नंबर्स ओके स्ट्रिंग फॉर्म में आपने लिया नंबर्स को डॉट इज इज ऑल ऑलनम राइट right? तो यहाँ पे आपका आ गया ट्रू क्योंकि इस ऑल नम में क्या है आपके स्ट्रिंग में या तो करेक्टर्स uh, होने, होने चाहिए या कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स होना चाहिए फाइन ओके okay. अब यहाँ पे देखो हमने एम स्ट्रिंग दे दी कोई भी करेक्टर नहीं दिया है सिंपली हमने क्या दिया है uh, यहाँ पे स्ट्रिंग का कोर्स uh, दे दिया राइट right? तो यहाँ पे एम स्ट्रिंग अगर आपने दी तो आपका रिजल्ट क्या आएगा फॉल्स ओके okay? राइट right? अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे आपने स्ट्रिंग लिए एबीसी और बीच में दे दिए स्पेस वन टू थ्री ओके एंड डॉट इज ऑल नम अब यहाँ पे क्या है स्पेस बिटवीन ए बी सी एंड वन टू थ्री तो स्पेस क्या है हमारा अल्फा न्यूम्री कंसिडर नहीं होता है ओके okay? तो रिजल्ट आपका क्या आएगा फॉल्स ओके तो यहाँ पे देखो दो कंडीशन जब कहा uh, मैं आपका फॉल्स है एक तो जब आपने एम स्ट्रिंग दी है कोई भी करेक्टर नहीं दिया है स्ट्रिंग में ओके okay. एंड आपने जब क्या किया स्पेस का यूज यूज किया है बिकॉज़ स्पेस इज नॉट कंसीडर्ड एज अल्फा न्यूमेरिक ओके तो स्पेस का यूज किया है, तो भी आपका क्या है फॉल्स ओके नाउ द नेक्स्ट मेथड इज इज अल्फा राइट इट रिटर्न्स टू इफ ऑल द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग्स आर अल्फाबेटिक एंड देयर इज एट वन कैरेक्टर फॉल्स अदरवाइज अब ये क्या कह रहा है ये कह रहा है कि जो इज अल्फा मेथड है जब वो आप स्ट्रिंग के साथ यूज करते हो ओके okay, तो वो ट्रू रिजल्ट तभी देगा जब स्ट्रिंग के अंदर सारे करेक्टर्स क्या होंगे अल्फाबेट होंगे ओके okay? अगर आपने नंबर्स यूज किया तब भी फॉल्स होगा ओके okay? अगर आपने स्ट्रिंग एम टी लिया है तब भी वो फॉल्स होगा राइट right? और सेंटेस क्या है इसका स्ट्रिंग डॉट इज एल्फा ओके तो रिमेंबर दिस थिंग कि ये तभी ट्रू देगा जब स्ट्रिंग के अंदर सारे के सारे करेक्टर्स अल्फाबेट होंगे राइट ओनली अल्फाबेट होंगे राइट right? तो देखो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया python डॉट इज एल्फा तो python में सारे कैरेक्टर्स हैं तो रिजल्ट आ गया आपका ट्रू python में सारे अल्फाबेट्स हैं तो आपका रिजल्ट आ गया ट्रू नेक्स्ट हमने लिया वन टू थ्री ए बी सी कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड अल्फाबेट्स ओके डॉट तो इसका रिजल्ट आपका क्या है फॉल्स ओके फॉल्स क्यों आया क्योंकि स्ट्रिंग में क्या चाहिए हमें सिर्फ अल्फाबेट्स चाहिए राइट right? अब पे बट क्या है नंबर्स है तो अगेन आपका रिजल्ट आया फॉल्स ओके okay? आपने एम टी स्ट्रिंग को लिया डॉट इज एल्फा अगेन द रिजल्ट इज फॉल्स तो किस कंडीशन में ट्रू आएगा इज एल्फा फंक्शन में जब स्ट्रिंग में ओनली एल्फा होंगे ओके

फाइन अगर आप एम टी स्ट्रिंग यूज करते हो तो भी आपका रिजल्ट क्या आएगा फॉल्स ओके तो डिजिट फंक्शन आपका ट्रू तभी रिटर्न करता है जब स्ट्रिंग के अंदर सारे के सारे नंबर्स हो डिजिट्स हो राइट right? अदरवाइज वो क्या रिटर्न करेगा फॉल्स ओके okay? अगर आप एम्प्टी स्ट्रिंग भी यूज करते हो तो वो क्या रिटर्न करेगा फॉल्स Now the next method is is lower method. It returns true if all the characters in the string are in lower case. अब ये function is lower function तभी आपका true result देगा जब जो भी string आपने use किया इस function के साथ उसमें सारे के सारे character क्या हो lower case में हो lower case मतलब small case में हो right? There must be at least one character in the string otherwise it returns false. और स्ट्रिंग एम टी होगी तो भी रिजल्ट क्या आएगा फॉल्स हमारा है स्ट्रिंग डॉट इज लोअर फाइन ओके तो पे हमने एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं अब देखो हमने स्ट्रिंग ली पाइथन पाइथन के अंदर देखो इस स्ट्रिंग में क्या है जितने भी करेक्टर्स है जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो क्या है लोअर केस में ठीक है स्मॉल केस में ओके okay. अब इसके साथ हमने यूज किया इज लोअर फंक्शन तो अब ये क्या रिटर्न करेगा ट्रू क्यों क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर सारे कैरेक्टर लोअर केस में फाइन नेक्स्ट एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया प्रोग्रामिंग डॉट इज लोअर अब देखो यहाँ पे जो स्ट्रिंग आपने इस लोअर फंक्शन के साथ यूज की है उसमें क्या है सारे करेक्टर्स अपर केस में है तो आपका रिजल्ट आएगा फॉल्स राइट ओके यहाँ पे आपने अगर एम टी स्ट्रिंग भी यूज किया है तो भी आपका रिजल्ट आएगा फॉल्स राइट देन आपने क्या किया है कॉम्बिनेशन लिया है यहाँ पे अल्फा न्यूम्रिक लिया है ट्वेल्व डी ओके ट्वेल्व डी आपकी स्ट्रिंग है ओके okay? अब देखो ट्वेल्व इज द नंबर तो इसका तो कोई केस नहीं होता नंबर का तो कोई केस नहीं है ओके okay? हमें किसका केस देखना है हमें अल्फाबेट का केस देखना है तो यहाँ पे डी का आ, केस क्या है लोअर केस फाइन यहाँ पे जो हमारा अल्फाबेट यूज हुआ है उसका क्या केस है लोअर केस है लोअर केस है अगर स्ट्रिंग जो भी आपके अल्फाबेट्स हैं स्ट्रिंग के अंदर वो लोअर केस में है तो रिजल्ट क्या आएगा ट्रू फाइन देन आपने लिया डी डी पे D आपका क्या अपर केस में तो अब जब आप इस लोअर फंक्शन के साथ यूज करोगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा फॉल्स ओके okay? तो इस लोअर मेथड जब आप स्ट्रिंग के साथ यूज करते हो तभी ट्रू रिजल्ट देगा अगर स्ट्रिंग के अंदर जितने भी करेक्टर्स हैं वो क्या होंगे लोअर केस में होंगे राइट ओके नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज इज अपर मेथड इट रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल द करेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर इन अपर केस आपका देगा जब string के अंदर जितने भी characters होंगे वो क्या होंगे कैपिटल फॉर्म में होंगे राइट ओके अदरवाइज क्या होगा फॉल्स हो जाएगा अब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देखते हैं हमने पाइथन लिया है पाइथन हमने कैपिटल केस uh, में लिया है ओके अपर केस में लिया है ओके डॉट इज अपर जब आपने इसके साथ इस अपर यूज़ किया तो आपका क्या रिजल्ट आया? क्योंकि सारे के सारे करेक्टर्स इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर क्या है अपर केस में राइट नेक्स्ट हमने लिया वेलकम वेलकम डॉट इज अपर अब इसमें फर्स्ट करेक्टर तो अपर केस में बाकी सारे करेक्टर्स क्या है लोअर केस में तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा फॉल्स क्योंकि इज अपर फंक्शन की कंडीशन क्या है कि तभी ट्रू रिजल्ट देगा तभी ट्रू रिटर्न करेगा अगर स्ट्रिंग के अंदर जितने भी करेक्टर्स हैं वो क्या है अपर केस में राइट right? नेक्स्ट आपने प्रोग्रामिंग लिया है जो लोअर केस में डॉट इज अपर अगेन ये क्या रिटर्न करेगा फॉल्स ओके okay? अब आपने एक एल्फा न्यूमरिक स्ट्रिंग लिया है ए ए टू थ्री फोर डॉट इज अपर यहाँ पे लेकिन जो आपने अल्फाबेट यूज किया वो क्या अपर केस में है तो आपका रिजल्ट क्या आएगा ट्रू राइट right? नेक्स्ट आपने लिया वन टू थ्री एफ यहाँ पे F क्या आपका लोअर केस में तो डॉट इज अपर जब आप यूज करोगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा फॉल्स ओके okay? तो इज अपर मेथड जब स्ट्रिंग के साथ यूज करते हो तो ट्रू तभी रिटर्न करेगा जब स्ट्रिंग के अंदर जितने भी करेक्टर्स हैं वो अपर केस में होंगे ओके मतलब ऑल द कैरेक्टर्स शुड बी इन द अपर केस राइट नाउ द नेक्स्ट मेथड इज इज स्पेस मेथड इट रिटर्न्स ट्रू इफ देयर आर ओनली व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग देयर मस्ट बी एट लीस्ट वन कैरेक्टर इट रिटर्न्स फॉल्स अदरवाइज ओके तो इसका मीनिंग क्या है इज स्पेस मेथड तभी ट्रू रिटर्न करेगा जब स्ट्रिंग के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो क्या होंगे सिर्फ स्पेस होंगे व्हाइट स्पेस ओके ओके और यू कैन से स्पेस बोथ सेम तो सिर्फ अगर आप स्पेस यूज कर रहे हो एज स्ट्रिंग तो ये रिजल्ट क्या देगा ट्रू नहीं तो रिजल्ट आपका क्या आएगा फॉल्स ओके सिंटेस क्या है स्ट्रिंग डॉट इज स्पेस ओके नाउ अब यहाँ पे देखो हमने एक स्ट्रिंग ली है तो स्ट्रिंग के अंदर क्या किया है डबल कोट्स के अंदर हमने फोर टाइम स्पेस दिया है स्पेस बटन को आप फोर टाइम प्रेस करोगे तो फोर फोर स्पेस आ, फो आ जाएंगे ठीक तो है एम टी स्ट्रिंग है ओके एमटी स्ट्रिंग में क्या है? डबल कोर्स डबल कोर्स मतलब आपने डबल कोर्स ले लिया है सिर्फ ओके बीच में स्पेस भी नहीं दिया है ठीक है डबल कोर्स लिया है एंड देर इज नो स्पेस ओके तो इसका रिजल्ट क्या है आपका फोर्स फाइन नेक्स्ट हम देखते हैं हमने क्या लिया वन टू थ्री लिया है उसके बाद स्पेस दे दिया उसके बाद आपने ए बी लिख दिया राइट right? तो हमने क्या एल्फा न्यूमरिक स्ट्रिंग लिया और बीच में स्पेस लिया है लेकिन इस स्पेस कब रिटर्न करता है टू जब स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ स्पेसेस हो और कुछ भी ना हो ना नंबर्स हो ना एल्फाबेट्स हो कुछ भी ना हो राइट right? तभी उसका रिजल्ट क्या आता है ट्रू तो यहाँ पे हमने नंबर भी लिया अल्फाबेट्स भी लिया तो यहाँ पे रिजल्ट क्या है फॉल्स राइट right? तो इस स्पेस फंक्शन या और इस स्पेस मेथड फंक्शन और मेथड आर द आर द आर सेम ओके okay? तो ये कभी आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि मेथड और फंक्शन ये क्या है मतलब मेथड और फंक्शन एक ही चीज के न, न, नेम है ओके हम मेथड भी बोल सकते हैं और फंक्शन भी बोल सकते हैं right? राइट राइट right? अब यहाँ पे देखो इस स्पेस कब आपका ट्रू रिटर्न करेगा जब आपकी स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्पेसेस होंगे नो नंबर्स नो करेक्टर्स नो एनीथिंग एल्स राइट नाउ द नेक्स्ट मेथड इज एल स्ट्रिप मेथड इट रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग विद लीडिंग वाइट स्पेसेस रिमूव्ड लेफ्टिट ओके okay? तो जब हम एल फंक्शन को स्ट्रिंग के साथ यूज करते हैं तो क्या होता है लेफ्ट साइड में, okay? में जो भी स्पेसिस होते हैं व्हाइट स्पेसिस मीन स्पेसिस ओनली ठीक है जो भी स्पेसिस होते हैं वो क्या कर देता है ये रिमूव कर देता है हटा देता है राइट right? तो आप ऐसे भी बोल सकते हो स्ट्रिंग के कहा लेफ्ट में राइट right? और या फिर कह सकते हैं स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में ओके okay? तो हमारा स्ट्रिंग डॉट एल स्ट्रिप ओके एग्जांपल देखो यहाँ पे मैंने पाइथन लिया है इससे पाइथन uh, को स्टार्ट करने से पहले भी स्पेस दिया और पाइथन एंड uh, करने से पहले भी आपका स्पेस दिया राइट डॉट एल स्ट्रिप ओके अब हमने क्या दिया एल स्ट्रिप दिया है तो ये क्या करेगा स्ट्रिंग के स्टार्टिंग ओके लीडिंग और यू कैन से लेफ्ट मोस्ट स्पेसेस को रिमूव कर देगा तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग वाला स्पेस रिमूव हो गया था ओके okay? तो एल स्ट्रिप फंक्शन क्या करता है लेफ्ट साइड के जो स्ट्रिंग के स्पेसेस होते हैं उनको रिमूव कर देता है और यू कैन से जो स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में स्पेसेस होते हैं उनको क्या करता है रिमूव कर देता है ओके okay? now we have shift method it returns a copy of the string with trailing white spaces removed that is white spaces from the rightmost end are removed okay so rstrip function क्या रिजल्ट देता है मतलब इसका क्या यूज है जब आप इसको तो स्ट्रिंग के साथ यूज करते हो तो स्ट्रिंग के राइट मोस्ट साइड में जितने भी स्पेसेस हैं उनको ये रिमूव कर देता है राइट इट रिटर्न कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग विद ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस ओके और यू कैन से द स्पेसिस विच आर प्रेजेंट इन द एंड ऑफ द स्ट्रिंग ओके तो स्ट्रिंग के जो एंड में स्पेसिस होते हैं उसको ये क्या करता है रिमूव कर देता है

स्ट्रिंग के राइट साइड के स्पेसेस को रिमूव करता है ओके एल स्ट्रिप स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड के स्पेसिस को रिमूव करता है और आर स्ट्रिप स्ट्रिंग के राइट right साइड के स्पेसिस को रिमूव करता है ओके now we have strip method it returns a copy of the string with leading and trailing white spaces removed okay अभी क्या करता है strip method क्या करता है जब आप इसे string के साथ use करते हो तो string के leading मतलब starting के spaces and trailing ending के spaces सब मतलब दोनों ओर तरफ के spaces को remove कर देता है और always remember that जब आप l strip r strip or strip function use करते हो तो ये क्या करता है string की copy आप uh, ka return करता है और जब आप ओरिजिनल स्ट्रिंग को प्रिंट कराओगे तो एज इट इज ही होगी फाइन जो भी चेंजेस हो रहा है वो किस में हो रहा है कॉपी के अंदर हो रहा है इट रिटर्नस कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग फाइन ओके तो स्ट्रिप uh, फंक्शन uh, का क्या यूज है ये स्ट्रिंग के स्टार्टिंग और एंडिंग राइट स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों तरफ के स्पेसेस को रिमूव कर देगा राइट right? अब यहां पे देखो पाइथन के स्टार्टिंग में भी स्पेसेस है और एंडिंग में भी स्पेसेस है ओके okay? जब आपने स्ट्रिप फंक्शन का यूज किया तो क्या हुआ स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों तरफ के स्पेस रिमूव हो गए राइट या एल स्ट्रिप में क्या होता है सिर्फ स्टार्टिंग के स्पेसेस होते हैं आर स्ट्रिप जब आप यूज करते हो तो एंडिंग के स्पेसेस रिमूव होते हैं और जब आप स्ट्रिप फंक्शन यूज करते हो तो स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों तरफ के स्पेसेस रिमूव हो जाते हैं ओके okay? जो आपने क्या किया देखो, जो है डॉट रिप्लेस रिप्लेस के अंदर रिप्लेस फंक्शन में आपने टू पैरामीटर्स को पास किया है सब स्ट्रिंग क्या होता है स्ट्रिंग का पार्ट ही होता है ओल्ड सब जो स्ट्रिंग uh, में से हमने एक ओल्ड पार्ट लिया और उसके प्लेस पे जो हमें न्यू सब स्ट्रिंग चाहिए वो हम

यहाँ से हमने उठाया नी टू को ओके नी टू और नी टू के प्लेस पर हम किसे चाहते हैं मस्ट को चाहते हैं ये हमारा न्यू सब स्ट्रिंग रिप्लेस मेथड क्या करेगा टू को रिप्लेस कर देगा मस्ट से ओके okay, ओके okay, अब यहाँ पे हमारा क्या जाएगा? Must आ जाएगा मस्ट आ जाएगा ओके अब आप रिजल्ट देखो यू मस्ट वर्क हार्ड नी टू रिप्लेस हो चुका है उसकी जगह पे क्या आ गया है मस्ट आ गया है फाइन

आ गया केयर से जा चुका है उसके प्लेस पे क्या आ गया वर्क आ गया ओके okay, तो रिप्लेस मेथड की हेल्प से आप क्या कर सकते हो स्ट्रिंग के अंदर किसी भी ओल्ड सब स्ट्रिंग को रिप्लेस कर सकते हो न्यू सब स्ट्रिंग से ओके नाउ वी हैव ज्वाइन मेथड ओके इट अ स्ट्रिंग और करेक्टर आफ्टर ईच द स्ट्रिंग आइट्रेटर अ uh, स्ट्रिंग तो ये इस मैथड का क्या यूज है इस ज्वाइन मैथड से हम क्या करते हैं जो हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग आई, आई ट्रेबल आपका कुछ भी हो सकता है आपका टप्पल होता है आई ट्रेबल आपका लिस्ट होता है आई ट्रेबल आपके पास कोई भी सिक्वेंस है आई ट्रेबल मीन्स जिसको हम एक एक आइटम को एक्सेस कर सकते हैं फाइन या फिर स्ट्रिंग है राइट right? उससे हम क्या कर सकते हैं कोई भी स्ट्रिंग या करेक्टर को ज्वाइन कर सकते हैं ये हमारा स्ट्रिंग या करेक्टर है, जो भी है वो हम इस इसके अंदर ज्वाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ज्वाइन फंक्शन फाइन ओके तो हमारी फर्स्ट कंडीशन हम लेते हैं इफ स्ट्रिंग आई ट्रेबल इज स्ट्रिंग आर इज इंसर्टेड आफ्टर एवरी करेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग ओके तो ये क्या कह रहा है अगर जो हमने आई ट्रेबल लिया है ठीक है क्वेंस लिया है वो स्ट्रिंग ही है स्ट्रिंग ही है तो जो हमारा जो भी करेक्टर या स्ट्रिंग हम यहाँ पे यूज कर सकते कर रहे हैं ओके वो क्या करेगा स्ट्रिंग के हर करेक्टर के साथ ज्वाइन हो जाएगा फाइन स्ट्रिंग के हर करेक्टर के साथ ज्वाइन हो जाएगा ओके अब देखो हमने क्या लिया यहाँ पे एक करेक्टर लिया है ठीक है स्टार करेक्टर लिया है डॉट ज्वाइन ओके okay? और ज्वाइन फंक्शन में हमने स्ट्रिंग को पास किया पाइथन राइट right? तो अब क्या करेगा ये वाला जो हमारा स्टार है वो स्ट्रिंग के करेक्टर्स के साथ ज्वाइन हो जाएगा अब यहाँ पे देखो पी स्टार देन वाई स्टार देन टी स्टार एस स्टार एंड दिस लाइक दिस ओके okay? तो ये क्या है स्ट्रिंग के करेक्टर्स के साथ ज्वाइन हो गया और यू कैन सेपरेटर ऑल्सो ठीक है की तरह वर्क भी कर रहा है

ओके सो इट वर्क सेपरेटर ऑल्सो तो यहाँ पे की क्या सेपरेटर uh, की तरह भी वर्क करता है देखो पी सेपरेट पी और आर के बीच में एज अ सेपरेटर वर्क कर रहा है डॉलर देन आर एंड ओ के बीच में एज अ सेपरेटर वर्क कर रहा है राइट right? ओके okay. तो अब ये तो ये कंडीशन हुई कि जो आपने जॉइन के अंदर आइटरेबल ट्रेबल लिया वो स्ट्रिंग है और अगर स्ट्रिंग नहीं है आपने कुछ और लिया है तो फिर वो क्या होगा उसके लिए हम दूसरे एग्जांपल देंगे If the string based iterator is a list or tuple of strings, then the given string or character is joined with each member of the list or tuple, right? तो ये क्या कह रहा है अगर आपने जो string लिया है right? Okay, वो क्या है Sorry, जो आपने sequence लिया है iterable sequence लिया है वो string वो क्या है String tuple है स्ट्रिंग लिस्ट है मतलब स्ट्रिंग की लिस्ट है या स्ट्रिंग का टपल है तो क्या होगा अब यहाँ पे वो क्रेटर्स के साथ ज्वाइन ही करेगा वो आइटम्स के साथ पर्टिकुलर आइटम्स के साथ ज्वाइन हो जाएगा राइट ओके बट द टपल और लिस्ट मस्ट हैव ऑल द मेंबर्स में स्ट्रिंग अदरवाइज पाइथन विल रेज एरर तो क्या करें जो भी आप टपल ले रहे हो या लिस्ट ले रहे हो उसके सारे मेंबर्स क्या होने चाहिए स्ट्रिंग ही होने चाहिए अगर आपने कोई और डेटा टाइप लिया स्ट्रिंग के अलावा तो क्या आएगा एरर आ जाएगा राइट तो हमने क्या लिया यहाँ पे तीन स्टार करेक्टर लिए तो क्या होगा प्रोग्रामिंग गिवन स्ट्रिंग ज्वाइन बिटवीन द ऑफ द स्ट्रिंग बेस्ड लिस्ट ओके okay, तो ये ज्वाइन हो गया है पाइथन थ्री स्टार एंड प्रोग्रामिंग फाइन ऐसे ही आपने क्या किया यहाँ पे आ, हैश लिए फोर हैश लिए ज्वाइन पाइथन प्रोग्रामिंग क्लास राइट ओके ओके तो अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है टपल है दिस इज आर टपल ओके तो टपल में फर्स्ट आइटम ये है पाइथन और सेकेंड आइटम है प्रोग्रामिंग एंड थर्ड आइटम है क्लास तो अब ये क्या किया है यहाँ पे ज्वाइन हो गया पाइथन उसके बाद आपके फोर्स हैश आ गए देन प्रोग्रामिंग देन आपके फोर हैश देन क्लास तो ये, ये ज्वाइन हो गए इंडिविजुअल आइटम्स के साथ ओके okay? एंड तो दे वर्क एज सेपरेटर ऑल्सो तो देखो इन दोनों के बीच में क्या है एज अ सेपरेटर वर्क करें फाइन और इन तीनों के बीच में भी देखो ये एज अ सेपरेटर वर्क कर रहे हैं राइट गिवन स्ट्रिंग बिटवीन द इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ अ स्ट्रिंग बेस्ड टपल राइट तो क्या हुआ है ये ज्वाइन हो गए बिटवीन द द इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ टपल इन द सेम वे यहाँ पे जो आ, टपल के आइटम्स थे उनके बीच में क्या हुआ ये उनके बिटवीन में जाके ज्वाइन हो गए ऐसे ही यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग के जो लिस्ट थी उसके आइटम्स के बिटवीन में जाके ये ज्वाइन हो गए ओके द सिक्वेंस मस्ट कंटेन ऑल स्ट्रिंग एल्स पैथन विल रेज एंड एरर और ये हमने पहले ही किया हुआ है जो सिक्वेंस है जो भी आप ले रहे हो टप्पल ले रहे हो लिस्ट ले रहे हो उसमें क्या होना चाहिए सारे के सारे स्ट्रिंग एलिमेंट्स या स्ट्रिंग आइटम्स होने चाहिए नहीं तो पैथन क्या करता है एरर शो करता है ओके okay? तो जब आपने जॉइंट मैथड लिया आपने यहाँ पर थ्री हैच लिए जॉइंट मैथड वन टू थ्री अब क्या है यहाँ पे वन टू थ्री क्या है नंबर्स है स्ट्रिंग नहीं है देन आप ये हमने एक टप्पल लिया है ओके okay? टप्पल का जो फर्स्ट आइटम है वो क्या है

ओके okay. अगर आप कोई और डेटा टाइप okay. split क्या करता है? को कर देता है. मतलब तोड़ देता है कि फॉर्म में लिस्ट की फॉर्म में तोड़ मतलब वो की फॉर्म में फिर वो क्रिएट हो जाते हैं पहले स्ट्रिंग होते हैं फिर वो लिस्ट बन जाती है राइट वी कैन स्पेसिफाई द सेपरेटर ओके okay, हम सेपरेटर डिफाइन कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे वो ब्रेक uh, होके क्या बने लिस्ट के आइटम बने डिफॉल्ट सेपरेटर इज एनी स्पेस और अगर आप स्पेस सेपरेटर डिफाइन नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट वो किसको लेता है स्पेस को एज अ सेपरेटर ले लेता है फाइन तो सिंटेक्स हमारा क्या है स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट एंड सेपरेटर सेपरेटर आपका क्या है सेपरेटर अगर जो भी आप सेपरेटर देना चाहते हो मतलब कोमा पे वो, 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 वो स्प्लिट हो जाए या किसी पर्टिकुलर सिंबल पे वो स्प्लिट हो जाए राइट तो आप सेपरेटर दे सकते हो अगर आप नहीं दोगे तो जो भी आप जब भी आपका वाइट स्पेस आएगा मतलब स्पेस आएगा वहां पे वो क्या होगा वो स्प्लिट हो जाएगा ओके okay, और लिस्ट बन जाएगी ओके इफ़ यू डू नॉट प्रोवाइड एनी सेपरेटर देन बाय डिफॉल्ट इट विल स्प्लिट द स्ट्रिंग कंसीडरिंग वाइट स्पेस एज ए सेपरेटर तो इस ये मैंने अभी भी आपको बताया कि अगर आप कोई भी सेपरेटर डिफाइन नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो स्पेस को एज अ सेपरेटर कंसीडर करता है राइट right? तो अभी आपका स्ट्रिंग है आई लव पाइथन डॉट स्प्लिट ओके आई लव पाइथन आपका स्ट्रिंग है डॉट स्प्लिट अब स्प्लिट फंक्शन में आपने कोई भी सेपरेटर पास नहीं किया है तो कोई भी सेपरेटर पास नहीं किया है तो बाई डिफॉल्ट वो क्या लेगा स्पेस को एज अ सेपरेटर ले लेगा ओके okay? तो इसने क्या बना दिया इसको ब्रेक कर दिया है स्प्लिट कर दिया स्ट्रिंग को और लिस्ट बना दिया है पहले आई आया एक आइटम बन गया ब्रेक हो गई स्ट्रिंग uh, आपकी फिर लव आ, क्योंकि यहाँ पे स्पेस आया था ओके okay, फिर आपका लव नेक्स्ट आइटम बन गया लिस्ट का फिर यहाँ पे फिर से स्पेस है तो फिर ये फिर से स्प्लिट हो गया स्ट्रिंग और ये पाइथन ओके okay? तो थ्री स्पेसिस थे यहाँ पर तो थ्री स्पेसिस के बेस पे इसने क्या किया स्प्लिट कर दिया स्ट्रिंग को थ्री पार्ट्स में ओके okay? तो हमारे पास थ्री आइटम्स आ गए लिस्ट के अंदर आई एंड देन लव देन पाइथन फाइन ओके okay. अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखो आई लव पाइथन हमारा स्ट्रिंग है हमने डॉट स्प्लिट फंक्शन यूज़ किया स्प्लिट फंक्शन के अंदर हमने क्या किया स्पेस डिफाइन किया कि हाँ स्पेस हमें एज अ सेपरेटर चाहिए राइट right? तब भी यही रिजल्ट आएगा क्योंकि अगर बाय डिफ़ॉल्ट भी अगर आप स्पेस डिफाइन नहीं करते तो बाई डिफॉल्ट भी वो स्पेस से ही स्प्लिट करता है तो यहाँ पे क्या हुआ आई उसके बाद स्पेस आया तो आई आए एक आइटम बन गया लिस्ट का लव आपका एक आइटम बन गया स्पेस आया फिर उसके बाद पाइथन आपका एक आइटम बन गया राइट ओके ओके okay. अब यहाँ पे हम स्प्लिट फंक्शन का एक एग्जांपल देखते हैं प्रोग्राम टू स्प्लिट द स्प्रिट्रिंग यूजिंग एज एज सेपरेटर सेपरेटर फाइन ठीक है अब हम अ पास करेंगे ओके okay? तो हमारी यहाँ पे स्ट्रिंग है एस टी आर हेलो माई नेम इज रोहन आई एम ट्वेंटी इयर्स ओल्ड अब हेलो के बाद आपका कोमा है देन माई नेम इज रोहन के बाद आपका कोमा है राइट right? तो जहां जहां कोमा है वहा वहां पे वो स्प्लिट हो जाएगी वहा वहां से वो ब्रेक हो जाएगी आपकी स्ट्रिंग पेन तो यहाँ पे आपने एस टी स्टोर किया हुआ है आपने किया एक्स, एक्स एक है स्प्लिट से से, हो जाए स्ट्रिंग जहां जहां पे क्या है कोमा है फाइन और ये इसका रिजल्ट कहाँ जाएगा एक्स के अंदर जाएगा राइट right? और आपने प्रिंट करा दिया एक्स को ठीक है प्रिंट करा दिया एक्स को ओके okay, तो आपको पता है एक्स हमारा क्या है एक्स uh, uh, जो स्प्लिट फंक्शन है जो स्ट्रिंग uh, को किस फॉर्म में स्प्लिट करके रिटर्न uh, करता है लिस्ट फॉर्म में तो आप आउटपुट देखो पहले हेलो आया एक आइटम लिस्ट का फिर इसके बाद कोमा था ओके कोमा देन माय नेम इज़ रोहन ओके देन कोमा देन आई एम ट्वेंटी ईयर्स ओल्ड फाइन ओके okay? तो जहाँ जहाँ पे आपका कोमा था वहाँ वहाँ पे आपका क्या हो गया आपका स्ट्रिंग स्प्लिट हो गया और स्प्लिट करके क्या बन गया वो लिस्ट का आइटम बन गया हेलो फर्स्ट आइटम देन माय नेम इज रोहन सेकंड आइटम आई एम ट्वेंटी इयर्स ओल्ड थर्ड आइटम फाइन तो स्प्लिट फंक्शन से क्या हुआ आपका स्ट्रिंग स्प्लिट होके लिस्ट आइटम्स के अंदर कन्वर्ट हो गया राइट right? पार्टीशन मैथड प्लिस द स्ट्रिंग एट द फर्स्ट अक्रेंस ऑफ द सेपरेटर पार्टीशन मैथड क्या करता है जैसे ही सेपरेटर उसको दिखता है वैसे ही वो स्प्लिट कर देता है एंड रिटर्न टपल अब देखो यहाँ पे यह क्या रिटर्न करेगा टपल को रिटर्न करेगा ओके okay? जब हमने स्प्लिट मेथड को यूज किया था तो वो लिस्ट को रिटर्न करा था ठीक है एक लिस्ट की फॉर्म में वो स्प्लिट कर रहा था स्ट्रिंग को राइट right? लेकिन पार्टीशन मेथड किस फॉर्म में आपको रिजल्ट देगा वो टपल फॉर्म में रिजल्ट देगा एंड रिटर्न से टपल कंटेनिंग थ्री आइटम्स और टपल में क्या होगा द पार्ट बिफोर द सेपरेटर सेपरेटर जो आपने यूज किया उससे पहले का पार्ट सेपरेटर इट मतलब जो भी सेपरेटर आपने यूज किया है वो सेपरेटर एंड द पार्ट आफ्टर द सेपरेटर ओके वो वाला पार्ट जो सेपरेटर के बाद यूज हुआ है ओके okay? सिंटेक्स हमारा स्ट्रिंग डॉट पार्टीशन पार्टीशन के अंदर आपने सेपरेटर को दिया है ठीक है सेपरेटर कुछ भी हो सकता है फाइन अब एग्जाम्पल देखते हैं हमने स्ट्रिंग लिया आई एंजॉय वर्किंग इन पाइथन फाइन ये हमारा स्ट्रिंग है ओके okay, हम और ये हमारा स्ट्रिंग एसटीआर वेरिएबल में स्टोर है फिर हमने एक्स लिया वेरिएबल एक्स इक्वल टू तो एसटीआर डॉट पार्टीशन और पार्टीशन में हमने क्या सेपरेटर पास किया वर्किंग मतलब वर्किंग पे वो क्या हो जाए ब्रेक हो जाए उसका पार्टीशन हो जाए फाइन तो अब ये किस फॉर्म में रिजल्ट हमें ट्रांसफर करेगा टपल फॉर्म में ओके okay? और टपल में क्या होगा कौन से एलिमेंट्स होंगे एक तो सेपरेटर से पहले वाले पार्ट आएगा एक सेपरेटर खुद आएगा और फिर सेपरेटर के बाद वाला पार्ट आएगा तो तीन एलिमेंट्स आएंगे आपके टपल के अंदर फाइन तो देखो वर्किंग हमारा सेपरेटर है तो इससे पहले वाला आई एनजो एक एक एलिमेंट बन गया टपल का ओके okay, फिर वर्किंग खुद सेपरेटर खुद एक एलिमेंट बनेगा टपल का और फिर सेपरेटर के बा, बाद वाला पार्ट ओके okay? तो इन पाइथन आपका क्या बन बन गया गया थर्ड एलिमेंट टपल का फाइन तो यहां पे हमारे थ्री एलिमेंट्स बन गए टपल के राइट right? ओके okay, तो आपका स्प्लिट मेथड में क्या था लिस्ट फॉर्म में आपका रिजल्ट आया था पार्टीशन मेथड में क्या है टपल फॉर्म में आपका रिजल्ट आया है जो स्ट्रिंग स्प्लिट होके किस फॉर्म में हमें मिली है टपल फॉर्म में मिली है राइट Okay, children, now we will meet in next video with uh, next topic, right? Uh, subscribe my channel for uh, useful videos related to your syllabus. Thank you.